एक ही पढ़ूंगा, एक ही लिफाफा मिलेगा, लेकिन पढ़ूंगा अपने तेवर से। अग्निहोत्री जी बुला लिया तो फिर पूरा मजा देके जाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल, बिल्कुल सुनेगा। देखो मेरी सबसे सर्वाधिक चार पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, कि मैं भारत माता की जयकारे बोलता हूँ, पूरा देश बोलता है, मैं बच्चा था बचपन से बोल रहा हूँ, लेकिन एक सांसद है हैदराबाद के, नाम अभी भाई गजेंद्र ने बताया, असदुद्दीन ओवैसी, वो संसद के बाहर आकर स्टेटमेंट देता है कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मुझे लगा यार ये आदमी क्या है जो भारत माता का खास पैदा किया अन्न खा सकता है, सांसद बन सकता है, भारत माता की जय नहीं बोलता। मित्रों अब्दुल गफ्फार को बुरा लगा, मैंने चार पंक्तियां पढ़ी, हैदराबाद में जाकर जवाब दिया, अगर गुजरात में उन पंक्तियों को नहीं पढ़ूंगा तो लगेगा कि मैं अब्दुल गफ्फार डर गया हूं, इसलिए उन्हीं पंक्तियों से स्वागत करना। मैं बड़ी दिलेरी के से एक बार तालियां बजा मेरी हिम्मत पर। तालियां केवल इसलिए मत बजाना कि एक बदतमीज गद्दार मुसलमान के खिलाफ जो भारत माता की जय नहीं बोलता है, एक इस्लाम का बेटा कविता पढ़ रहा है, लेकिन लग जाए कि कविता हिंदू नहीं मुसलमान ने नहीं एक हिंदुस्तानी इंसान ने पढ़ी है, तो मेरे मित्रों खामोश मत रहना। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुन सुन वो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू। अब जितना आक्रोश हो चार पंक्तियों में मुझे लौटाना, ताकि मैं कविता की भूमिका तैयार कर दूं। कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन सुन वो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अब उठाना ताकत, तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। बहुत अच्छे, मजा आ गया भाई। अगली पंक्तियों पे तो फाड़ दोगे, मुझे पता है, आवाज हैदराबाद तक जानी चाहिए। तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन सुन वो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत माता की, मैं जानता था कि होगी। इन शेरों के बीच में नहीं सुनाऊंगा, गजेंद्र फिर का रावलपिंडी में सुनाऊंगा, सुनना। अरे मैं समझ गया, इतना भी बहरा नहीं हूं, लेकिन इससे ज्यादा समर्थन देना तो वंस मोर, बस ओके। सुनना कि तूने कहा सुना हमने, एक पंक्ति बदलता हूं साहब। मैं जब हैदराबाद में मैंने सुनाई, रिकॉर्ड हो रही है, पूरा भारत देखेगा, मैं डरने वाला जीव नहीं हूं। मुझे किसी ने कहा कि यार आपने कहा कि तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे, तो गफ्फार भाई इसके अब्बा जी तो इंतकाल फरमा गए, वो कैसे बोलेंगे। अब मैं राजस्थान का रहने वाला वकील ऊपर से हर बात का जवाब साथ रखता हूं, मैंने थोड़ी सी एक पंक्ति बदल दी बस, जो आपको सर्वाधिक आनंद दे जाए, तो घनघोर तालियों से सैलाब हो जाना चाहिए। सुनना, वंस मोर भी हो जाएगी, मेरी बात भी रह जाएगी, आपको भी नया मजा भी मिलेगा। सुना कि तूने कहा, वो याद रखना, वो कह रहे इसके अब्बा जी तो इंतकाल फरमा गए, वो कैसे बोलेंगे। तब मैं कहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन सुन वो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, कब्रों से मुर्दे उठ उठ कर वंदे मातरम बोलेंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह बाबा। सिट्टी मत बजा रहे, मैं अभी ऐसा आइटम नहीं हूं, क्या मेरे पे सिट्टी बर्बाद कर रहा है। सुन बेटे,
अच्छा मुझे लगता है वो हैदराबाद का पानी में ही कुछ गड़बड़ है। वो पांच बरस पर एक बाई है वहां, बाई जो लॉन टेनिस खेलती है, उसका ब्याह हुआ पाकिस्तान में, नाम जानते हो, सानिया मिर्जा। पहले मैं ये कविता नहीं बोलता था, लेकिन पिछले दिनों जब वो उसके देवर जेठ आतंकी बनकर AK-47 लेकर हमारी सरहदों पर आए और हमारे निर्दोष बच्चों का जब संहार किया, तो मुझे लगा यार ये तो जुल्म है। मैं चार छह पंक्तियां पढ़कर फिर वो गौ माता की कविता पढ़ूंगा, लेकिन ये पंक्तियां बोलकर मैं बैठूंगा, जोर से चिल्लाओगे तो ही गौ रक्षा होगी भैया, सुनना। तो वो हैदराबाद में उस भाई का ब्याह हुआ पांच बरस पहले, जानते हो, उसका नाम जान गए ना, लॉन टेनिस खेलती है सानिया मिर्जा। अब मजे लेना, अब्दुल गफ्फार को एतराज इस बात पर नहीं था कि सानिया मिर्जा का निकाह क्यों हुआ, एतराज इस बात पर था कि तमाम उम्र उसने हिंदुस्तान के नाम से पैसा कमाया, तमाम उम्र उसने हिंदुस्तान के नाम से शोहरत कमाई, लेकिन जब शोहर चुनने की बारी आई तो पट्टी पाकिस्तान चली गई। अरे हम मर गए थे क्या? तब मैंने पंक्तियां लिखी। और जब उसके वो देवर जेठ साला आतंकी बनकर हमको मार रहे हैं, हमारे परिवार को मार रहे हैं, तब मेरा गुस्सा पंक्तियों में तब्दील होता है। सरहदों पे मुकाबला हमारे सिपाही कर रहे हैं, अब्दुल गफ्फार मंच पर निपटा रहा है। सुनना कि फूल तुम्हारे घर आंगन का निश्चित मानो नहीं खिलेगा। पांच बरस हो गए ब्याह को, आपने कोई खुशखबरी सुनी क्या? सुनी क्या? तो फिर मेरी सुनो। मजे लो यार, मजे आ गया भाई, क्या शानदार जनता है भाई, बधाई देता हूं आपको। वाह, सुनेगा कि फूल तुम्हारे घर आंगन का निश्चित मानो नहीं खिलेगा, और तुम जैसी कामुक बाला से सतियों का सत नहीं हिलेगा। अब संभालना पंक्तियां कि फूल तुम्हारे घर आंगन का निश्चित मानो नहीं खिलेगा, तुम जैसी कामुक बाला से सचियों का सत नहीं हिलेगा। अरे दाऊद हो या शोएब मलिक हो, दाऊद हो या शोएब मलिक हो, सुनो सानिया मिर्जा, हिंदुस्तानी मर्दों जैसा पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। कौन कौन तैयार है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मलिक ढंग से पानी नहीं पिला पाया, पांच बरस हो गए क्यारी में गुलाब नहीं खिला पाया। गलत समझ रहे हो, जब उनका ब्याह हुआ ना, तो शोएब मलिक ने अपने बंगले की क्यारी में भी एक गुलाब का पौधा रोपा, ना तो उस पर फूल आए ना इधर फूल आया। तब तुम्हारे हित की बात करता हूं अहमदाबाद वालों, उछल जाना के फूल के पाकिस्तानी मलिक ढंग से पानी नहीं पिला पाया, पांच बरस हो गए क्यारी में गुलाब नहीं खिला पाया। अरे अहमदाबादी होते तो, अहमदाबादी होते तो हर बात बड़ी कर रख देते, और पांच साल में तो क्रिकेट की टीम खड़ी कर रख देते। बहुत कुर्सी रखे, कुर्सी रखे। और एक गुजरात के प्लेयर का नाम ले रहा हूं भाई, एक गुजरात के खिलाड़ी के सम्मान में तालियां ठोक देना कि सुनो सानिया मिर्जा, तेरा चयन सरासर कच्चा था, अरे शोएब मलिक खटारे से यूसुफ पठानी अच्छा था। यूसुफ पठान के लंबे छक्कों को सब जानते हैं। तब मैं कहता हूं कि सुनो सानिया मिर्जा, तेरा चयन सरासर कच्चा, छक्का शब्द आ रहा है। एक छक्का तो वो होता जो हमारा युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा लगाता है, बॉल को बल्ले पर लेके बाउंड्री के बाहर, उसे हम कहते हैं छक्का। और एक छक्का वो होता, समझ गए ना? अब मैं यूसुफ पठान और उसके उस पाकिस्तानी की तुलना कर रहा हूं। मुकाबला बराबर का होना चाहिए, बराबर का नहीं, हिंदुस्तान बड़ा होना चाहिए। तो उछाला मारना के सुनो सानिया मिर्जा, तेरा चयन सरासर कच्चा था, शोएब मलिक का कटारे से अपना पठान ही अच्छा था, क्योंकि यूसुफ पठान बताता है। इसके बाद बैठूंगा जोर से बंसमोर गोरे तो ही सुनाऊंगा। रे भाई सुनना, नहीं कैसे रहने तो, जनता चाहेगी तो सुनाऊंगा। सुनो सानिया मिर्जा, तेरा चयन सरासर कच्चा था,
शोएब मलिक खटारे से अपना पठान ही अच्छा था, क्योंकि यूसुफ पठान बताता है कि छक्का कैसे लगता है और तुम्हारा शोएब बिल्कुल छक्के जैसा लगता है। चलो ये तो मैंने सुनाऊं, जोर से बोलो। बस अब अंतिम कविता सुनाता हूं, अंतिम पूरी भी नहीं सुनाऊंगा, मेरी गौ माता की कविता जो मेरी पूरे भारत की प्रसिद्ध कविता है, एक बार ताली वाली बजाओ जरा, पूरी सुनाऊंगा आज जो आज्ञा आप। ये देखो ये मैंने भूमिका बनाई, क्योंकि जमरा बहुत मुश्किल होता है और अगर जमूंगा नहीं, अशोक चारण ने धुआं काट दिया था, बहुत जमा था, कलम दोनों साथ जाएंगे। ये कहेगा भाई साहब आप तो जमे ही नहीं, हम दोनों एक ही कस्बे के रहने वाले हैं, राजस्थान में केकड़ी नाम का कस्बा है, वहां मेरा मित्र भी रहता है, मैं भी रहने वाला हूँ, 10-20 वर्षों से मैं जयपुर रह रहा हूँ। चलिए अब मैं 7 मिनट घड़ी में देख लेना, अब मैं जो कविता सुना रहा हूँ यज्ञ सुना रहा हूँ, मैं गौ रक्षा के लिए जाना जाता हूँ, लोग मुझे गौ भक्त कहते हैं, मुझे फक्र है कि आज मैं इस जन्म में मैंने अपने आप को गौ भक्ति में परिवर्तित कर लिया है। और अगर गौ वंश की रक्षा में गुजरात में ही नहीं सुनाऊंगा तो कहां सुनाऊंगा। बोले गौ माता की, देखो कविता भले ही गौ माता की हो लेकिन तालियों के यज्ञ के बिना अधूरी रह जाएगी, मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। मैं कविता पढ़ता हूं कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। शायद आपको बहुतों को पता नहीं होगा गौ माता का उद्भव कहां से हुआ, गौ माता पैदा कहां से हुई। मेरे ज्ञान पर भी आपका सैल्यूट करने का मन हो तो मेरे अध्ययन को आपकी तालियां सैल्यूट करेंगी। मैं बताना चाहता हूं गौ माता का उद्भव कहां से हुआ। पौराणिक संदर्भ बताते हैं कि एक बार देवता और राक्षस समुद्र को मथ रहे थे, समुद्र को मथा गया तो समुद्र में से कई चीजें प्रकट हुई, 14 रत्न मणिमाणक मुक्ता प्रकट हुए, माता लक्ष्मी प्रकट हुई, अमृत का कुंड निकला, ऐरावत हाथी निकला, और एक वक्त वो आया जब समुद्र में से अचानक 5 गौ माताएं प्रकट हुई, 5, जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये 5 गौ माताएं निकली। बहुत अच्छा। सवाल उठा इनको ले कौन, तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं। ये शर्त थी कि चीजें आधी आधी बांट लेंगे, आधी देवता रख लेंगे, आधी राक्षस रख लेंगे। जब गौ माताएं निकली तो राक्षसों ने देखा ये क्या आ गया भाई आइटम, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, देवताओं ने भी अनिच्छा जाहिर की, तो तालियां तो फिर मेरे अध्ययन पर बनती है। उस वक्त धरती पर 5 महामुनियों ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे, ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और असित, तो एक एक गाय एक एक आश्रम को दे दी गई जो कामधेनु बरगर जगत का कल्याण कर रही है। मैंने 10 बरस पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार से एक सूचना मांगी कि भारतवर्ष में कितने कत्ल कारखाने हैं जहां गौ माताओं को काटा जा रहा है। मुझे बताया गया 2131 ऐसे कत्ल कारखाने हैं जहां अभी भी लाखों की संख्या में गौवंश को काटा जाता है। मित्रों 33 करोड़ देवी देवताओं की वो मां जब कटती है नृशंस तरीके से उसे काटा जाता है, तो मेरी पीड़ा एक कविता बनकर आई। मैं शुरू करना चाहता हूं कि युगों, मुझे लोगों ने कहा यार आप मुसलमान है, मैं कहा बेशक। वो बोले मुसलमान होकर आप गाय को माता क्यों कहते हो, गाय की रक्षा की बात क्यों करते हो। मित्रों मेरे केकड़ी में मेरा पड़ोसी महेंद्र पाराशर यहां बैठा हुआ है, वो जानता है हम किसान के बेटे हैं। हमारी माँ बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे गाय को चारा खिलाकर उसका दूध दूकर वो मुझे पिलाती थी, उस ताकतवर उस दूध को पीकर मैं बलिष्ठ हुआ, बलवान हुआ, और 54 किलो का जब मेरा वेट हुआ, मैं LLB करने जयपुर में गया तो मैं पूरे राजस्थान में अपने वेट में कुश्ती का चैंपियन बना हूं, उसी ताकत की बदौलत। मैंने उनसे कहा यार गाय माता जब मुझे दूध देती थी आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर कर देगी, सुनना। जब मुझे पूछा मुसलमान होकर गाय पर कविता क्यों लिखते हो, तो मैंने कहा जब मैं 3 बरस का बच्चा था गौ माता मुझे दूध देती थी, मेरी माँ मुझे गौ का दूध पिलाती थी, तो गौ माता मुझे दूध देते वक्त ये नहीं देखती थी कि ये बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का है। बहुत अच्छा। जब गौ माता भेद नहीं करती तो मेरी औकात क्या है, उसी गौ माता का दूध
जो मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, आज कविता बनकर लौटा रहा हूँ। अहमदाबाद वालों, आपकी तालियों का समंदर पूरा मुल्क देखेगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। तालियां रोकना मत, मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। बहुत अच्छा भाई, वाह। बस 7 मिनट तक ये 7 बजे दो, मैं तर जाऊंगा। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। गौ माता पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को, पूरे सदन की तालियां मेरे प्रण को पूरा करेगी। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। बहुत अच्छा भाई, मजा आ गया। देखो ये वाक्य पूरा तब होता है, मैं बोलूंगा शीश भले कट जाए लेकिन, आप लोग बोलना गाय नहीं कटने देंगे। बोलोगे जोरदार, वादा। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं देंगे। मैं भाग्यशाली हूं का आपका साथ मुझे मिला, लेकिन इतनी कविता, यही कविता मैं रायबरेली में बोल रहा था, इतनी सी बोली कि इधर से मेरे समुदाय के, मेरी जात के कुछ पट्टे आ गए, टोपी लगाकर, जालीदार बनियान पहन के, हाथ में चाकू छुरा लेकर, मुझे कहने लगे, अच्छा मियाँ, गाय को माता बोलेगा, गाय की रक्षा की बात करेगा तो तेरी जुबान काट ली जाएगी, तेरे गोली मार दी जाएगी, हम देखते हैं कि तू कैसे बोलता है। मित्रों, वो लोग मुझे धमकाने वाले धमकाते रहते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है जब से मैंने ये कविता लिखी है, मैं हर मंच पर इसे पढ़ता आ रहा हूं, और मुझे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। मैं जानता हूं मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, पत्रकारों सरेआम कह रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मेरे वालिद का नाम अहमद अली खान था, मेरे दादाजी का नाम सादुल्ला खान था, मेरे परदादाजी का नाम फरीदुल्ला खान था, लेकिन हमारी कहीं 7वीं और 8वीं पीढ़ी में कहीं ना कहीं कोई रामलाल जी रहे होंगे, राधे श्याम जी रहे होंगे, राम प्रकाश जी रहे होंगे। बढ़िया बात। तो वही संस्कार मेरी रगों में अब तक दौड़ रहा है। क्या बात, पंक्तियां पढ़ता हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं गौ रक्षा की बात यही नहीं करूंगा तो क्या अमेरिका जाके करूंगा? ये तो वो मुल्क है यार, जहाँ मुंबई का हिंदू कव्वाल शंकर शंभू नाम का हिंदू कव्वाल तमाम उम्र ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर कव्वाले गाए करते थे, और यही वो मुल्क है जहाँ मुसलमान पठान रसखान द्वारकाधीश के सामने खड़े होकर कृष्ण लीला के भजन सुनाया करते थे। अच्छी बात है। मैं पहला कवि नहीं हूं भाई, अगली 4 पंक्तियां केवल उस रसखान की बोल रहा हूं, मैं दूसरों की पंक्तियां नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उस महाकवि को याद कर रहा हूं जो कृष्ण लीला में रथ था, लीन था, ताउम्र उसने गुजार दिया। एक बार वो कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने कविता पढ़ रहा था। मान्यता यह है कि जब वो कविता पढ़ता था तो कृष्ण कन्हैया स्वयं प्रकट होकर सुनने आ जाए करते थे। एक बबार उसने कविता पढ़ी, कृष्ण भगवान 3 बरस के बालक बनकर प्रकट हो गए। उनका शरीर मिट्टी से सना हुआ था, चोटी गुथी हुई थी, उनके हाथ में एक रोटी थी, मक्खन था, मिश्री थी, और एक कौवा आता है और कृष्ण भगवान के हाथ से रोटी छीन कर चला जाता है, तो उस पठान का स्वर गूंज पड़ता है, तालियां उसके खाते में जानी चाहिए। वो कहता है, लिखता है कि धूल ही भरे
अतिशोभित श्याम जो कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। कृष्ण लिखने का वर्णन कर रहा है कि धूल भरे अतिशोभित श्याम जो कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग बाजत पेंजनी पीरी का छोटी। वह छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़ो सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस इस कविता का एक चरण और पढ़ूंगा, पंक्तियां सुनना कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है। लेकिन जोश से सुनना, ठंडा मत, जोश हो गया तो बैठ जाऊं भाई, सुनेगा कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, और जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है। थोड़ा घनत्व तो बढ़ाओ तालियों का यार, मेरा कमजोर होने लग गया। इधर वाले खामोश हो गए यार, जमानत जब्त करवा दोगे। कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, और जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। बहुत अच्छे। तो जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते, गाय पूंछ को पकड़ लोग वेतरणी पार उतर जाते। तो गौधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं, और गौ पालक के घर में बंसी नटवर शाम बजाते हैं। और अब अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हो, एक शब्द आएगा आबे जमजम। ये खास पंक्तियां ध्यान से सुनना, मुझे विरोध किया कई लोगों ने, मैं आज आजमाना चाहता हूं, गलत लिख दिया हो तो रोक देना, और सही लिख दिया हो तो मैं विरोध की परवाह नहीं करता हूं मेरे शेरों। शब्द आएगा आबे जमजम। आबे जमजम मक्का मदीना का वो पवित्र जल है, हमारी अंतिम सांस होती है तो मुंह में देते हैं, और मान्यता यह है उसके पीने से जन्नत मिल जाती है। बस मेरा एक वसीयत लिख दिए भाई, वकील हूं, पढ़ा लिखा हूं, स्वस्थ मस्तिष्क का हूं, उस वसीयत पर ऐसा ठप्पा लगाना, मुझे विदा करना, मेरी थकान दूर हो जाए। 60 बरस की उम्र पार कर लिए मैंने, 62 बरस में जा रहा हूं, थकान मेरे तन बदन में भी है, लेकिन अगर आपका तालियों का डोज मुझे मिला तो इंशाल्लाह हर बार ताउम्र में गौ रक्षा की बात करता रहूंगा, सुनेगा। वैसे आज मजा आ गया, आपने अब्दुल गफ्फार की गौ रक्षा की इस कविता पर जिन घनघोर तालियों से मेरा समर्थन किया, युवा मोर्चा के जिस कार्यक्रम में मेरा समर्थन किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस रिवर फ्रंट में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। गदगद हो गया हूं मैं, अंतिम पंक्तियां नवाज रहा हूं, अंतिम पंक्तियां लिख रहा हूं। अग्निहोत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे शानदार और जानदार गौ भक्तों के मेरा को दर्शन करवाने का मौका दिया। पंक्तियां पढ़ता हूं, पलक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पलक भाई को धन्यवाद, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद, ठाकर साहब को धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूं, पटेल तुम्हें भी। अंतिम पंक्तियों पे प्यार देना कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है, और सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। राजा दिलीप प्रभु श्री राम के वंश में पैदा हुए थे, एक बार वो जंगल में जा रहे थे, वो देखते हैं एक शेर गाय को खाने आ रहा है, राजा दिलीप बीच में चले जाते हैं और शेर से कहते हैं कि वनराज तुझे भूख लगी है तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले, लेकिन वह अपने जिंदा रहते गौ माता पर आंच नहीं आने दूंगा। उस मुल्क में हम रह रहे हैं, प्रमाण बताता हूं, अंतिम पंक्तियां सुनना, किसी भी मजहब के बैठे हो सबको प्रणाम करता हूं, हमारी तो इस्लामिक किताबें भी लिखती है, अकर मूल बकर फाइनहा, घनघोर तालियां मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं अक्सर गौ हत्या को मुस्लिमों से जोड़ देते हैं, मैं अलग ही चीज हूं भाई, तीन रंग की नील गगन में ध्वजा सजाने निकला हूं, और सिर से कफन बांध कर मैं रण रंग रचाने निकला हूं, तीन रंग की नील गगन में ध्वजा सजाने निकला हूं, सिर से कफन बांध कर मैं रण रंग रचाने निकला हूं, और मैं अपनी मुस्लिम माता का एक अनोखा बेटा हूं, गौ हत्यारों की बस्ती में गाय बचाने निकला हूं। बात मैं जरा अलग ही किस्म की चीज हूं,
मैं दूसरी किस्म का व्यक्ति हूँ, तब बताता हूँ कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण कड़ा किया, गौ के बदले भूखे सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। और ऋषि चवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। महावीर में भरा हुआ गौ का उत्कृष्ट उजाला था। मैं उस आयत का जिक्र कर रहा था, किताबों में मिलती है, अकर मूल बकर फाइनहा समवदुल बहाइमा, अकर मूल बकर फाइनहा समवदुल बहाइमा। इसका अर्थ यह होता है कि गाय चौपायों की सरदार है। गाय का दूध शिफा का काम करता है, दवाई का काम करता है। इसलिए हर इंसान को गाय की हिफाजत करनी चाहिए। ये मैंने नहीं लिखा भाई, तब बोलता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सद्गो आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया, गौ के बदले भूखे सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। ऋषि चवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। महावीर में भरा हुआ गौ का उत्कृष्ट उजाला था। महाभारत में जब विराट को दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने अपने बाणों से गवधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राघव वन जाने को तैयार हुए, त्रिजट विप्र को गाय सौंपी, पीछे सरयू पार हुए, तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, देना आप ताकत, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। बहुत अच्छे, हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मुझे बिठाना, उस वसीयत पर जोर का ठप्पा लगाना, आदि पंक्ति की वसीयत लिख दी, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूँ। इसीलिए अहमदाबाद वालों एक वसीयत करता हूं कि मेरा अंतिम पल जब आए मेरा हृदय खिला देना और आप जमजम के बदले गौ माँ का दूध पिला देना। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह। मेरा अंतिम पल जब आए मेरा हृदय खिला देना, आप जमजम के बदले गौ माँ का दूध पिला देना, तो सपना पाक मोहम्मद का भी नहीं उचटने देंगे। वाक्य जोर से पूरा करना, मुझे विदाई देना तालियों की गड़गड़ा के साथ। सपना पाक मोहम्मद का भी नहीं उचटने देंगे, और शेष भले कट जाए लेकिन गाय नहीं बोलो गौ माता की, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।